त्रिपुरा का चुनावी रंग इस समय हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं और हम जहां पर हैं टिपरा मोथा जो एक नई पार्टी है यहां के राजा प्रद्योत मानिक देव वर्मन जी की उसकी पार्टी के सभी लोग यहां पर खड़े हुए हैं। एक रंगीन आदिवासी जो ट्रेडिशनल लुक है उसमें अपने राजा को स्वागत करने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ टिपरा मोथा के उम्मीदवार मानव देव वर्मा जी मौजूद हैं जो कि गुलाघाटी जो सिपाहीझाला जिले के गुलाघाटी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से खड़े हुए हैं। हम सीधे समझते हैं कितनी अहम सीट है और जो टिपरा मोथा इस समय विजन के साथ आई है वो कौन से विजन है। मानव जी आपका स्वागत है संसद टीवी पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सीट कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरह का यहाँ का भौगोलिक इतिहास है। इस बार चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस बार होगा पब्लिक का सरकार बनाना है। तो हमने देखा कि लास्ट 18 चुनाव में जो विजन डॉक्यूमेंट दिया विजन डॉक्यूमेंट देखकर जो गवर्नमेंट आने के बाद एक भी काम नहीं किया है। अभी वो बदलाव चाहता है। अभी बहुत लोग सोचता है कि बदलाव लेकर आना है एक शांति वातावरण लेकर आना है। तो ऐसा देखा है कि हम लोग एतिन में गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी शांति जो वातावरण है वो खराब सिचुएशन में गया। तो इसके लिए अभी जो पब्लिक है वो समझता है कि हम लोग का महाराज जो त्रिपुरा माता है वो त्रिपुरा जो त्रिपुरावासी को जो पब्लिक है उन लोग के लिए शांति वातावरण लेके आएगा। जो मुद्दा है तो एक भी विजन डॉक्यूमेंट का काम एक भी काम नहीं किया। तो इसीलिए अभी परिवर्तन लाने के लिए अभी रेडी है। तो अभी 16 तारीख का चुनाव तो जो राय है वो जनगण का जो राय है वो वोट डाल के हम लोग का जो पाइनएप्पल का जो सिंबल है इसको वोट डाल के हम लोग का जॉय लेके आएगा। जॉय आने के बाद जो विजन डॉक्यूमेंट्स हम लोग बुबागरा और तिरुमथन दिया वो लागू करने के लिए वो देखा जाएगा। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं इतने लंबे समय आपके राज्य में सीपीएम कांग्रेस का राज रहा 5 साल बीजेपी भी रही इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा भी लगातार कई ट्राइबल्स के मुद्दे बीजेपी सरकार में उठाती रही है। सबने घोषणा पत्र में अपनी बात कही है आदिवासी के लिए बहुत सारे बजट भी एलोकेशन हुए फिर कमी क्या रह गई कि आपके राजा को अलग एक टिपरा मोथा पार्टी बनानी पड़ी। कहा विजन डॉक्यूमेंट बनाने से नहीं होगा लागू करना पड़ेगा जो काम करना पड़ेगा लेकिन बातें करके काम नहीं किया तो कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग का महाराज ने बोला कि एकता करके बोला है कि हाँ हम लोग एकता होकर जो चुनाव में अगर जो यहाँ पे शांतिवन का अगेंस्ट में शांतिवन का खराब किया सीएसएम में इसके अगेंस्ट में हम लोग एकता होकर जब लड़ाई करेगा तो हम लोग का शांतिवन फिर वापस आएगा। हम लोग देखे कि हम लोग का इंडिजिनस जो है इस एरिया में एडीसी जो एरिया है इसको जो फंड दिया जाता है इसका एम्प्लॉज फंड देने के बाद वो फंड नहीं रहता है तो कैसे डेवलप करेगा। वो बातों में करने का माहिर है लेकिन काम में नहीं। इस बार इसीलिए परिवर्तन देख रहा है कि इस बार जॉय हम लोग का जो परिवर्तन है वो निश्चित है। अच्छा परिवर्तन निश्चित है मान लिया लेकिन मुझे ये बताइए साहब कि परिवर्तन के बाद टिपरा मोथा 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपको क्या लगता है बहुमत आएगी आपकी या वो ट्राइबल सीटों पे ही आप सिर्फ फाइट कर रहे हैं। नहीं अभी सिर्फ हम लोग का जो तिपासी एरिया है इस सीट में नहीं आएगा। इस सीट में तो आएगा आएगा हम लोग की जो रिजर्व सीट 20 सीट है बाहर में हम लोग के एससी रिजर्व है यहाँ पे भी चुनाव लड़ रहा है और जलन में भी 42 से मेजोरिटी सीट लेके हम लोग गवर्नमेंट बना रहा है। अच्छा आपको इतना विश्वास है कि आपकी पहली बार राजा ने पार्टी बनाई है टिपरा मोथा और आदिवासियों के मुद्दे पे इस बार आप सीधे सरकार बना रहे हैं ये आपको बिल्कुल विश्वास है क्योंकि हम लोग का चुनाव हम लोग का जो ऑटोमेटिक काउंसिल का चुनाव देखा है कि हम लोग का जो बुतार से पब्लिक है वो एडीसी ऑटोमेटिक काउंसिल में एक नया त्योहार को चुन के लेके आया। तो अभी जो आईपीएफ और बीजेपी था
वो लोग सब महाराष्ट्र को देख के और सब त्योहार मतलब पार्टी में ज्वाइन कर लिया, इसीलिए हम लोग विश्व के सर कह सकते हो कि इस बार त्योहार मतलब का सरकार बन रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सरकार बन रही है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब तो 16 फरवरी को पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में मत देती है। कैमरा पर्सन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, सनसेट टीवी, त्रिपुरा।